feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने एक मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ जो कि है करवा चौथ और वेडिंग के लिए। जी हाँ गाइज, यही लुक आप लोग रिक्रिएट कर सकते हैं ड्यूरिंग योर वेडिंग्स। आपकी वेडिंग तो नहीं, लेकिन हाँ वेडिंग गेस्ट अगर हैं आप उस टाइम में, साथ में ही करवा चौथ स्पेशल भी है। फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, या मेरी तरह अभी 15th ईयर हो, तो आप लोग इस तरीके का लुक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, और देखिए कितना खूबसूरत भी है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा अलग करने वाली हूँ कि मैं अपने को प्लेस करूंगी इस तरफ और यहाँ पे लगाऊंगी कैसे कैसे मैंने मेकअप करा है और कैसे कैसे मैंने अपनी हेयर स्टाइल करी है। ये पूरा क्लिप यहाँ पे जाता रहेगा गाइस। डिफिकल्ट बहुत है क्योंकि मैंने मेमोराइज करके रखा हुआ है कैसे क्या क्या करा था, और उसी बेसिस पे यहाँ पे फिल्म चलती रहेगी ताकि मैं भी फ्रेम में रहूं और कैसे मैंने मेकअप और हेयर स्टाइल करा है वो भी यहाँ पे साथ साथ चलता रहे। ये कुछ अलग टाइप का है, कुछ करा हुआ है। अगर ये वाला वीडियो स्टाइल आप लोगों को पसंद आएगा तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी फटाफट से कर दीजिएगा, और फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने अपने फेस को एक प्राइमर से सेट कर दिया है, और 10-15 मिनट के बाद में मैंने मेबेलिन का एक फाउंडेशन लिया हुआ है और उसको भी मैं डैब डैब मोशन में अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी कुछ इस तरीके से। उसके बाद में मैंने यूज करा है कंसीलर, तो यहाँ पे मैं कंसीलर भी लगाऊंगी। इसमें सबके प्रोडक्ट्स की लिंक्स मेंशन रहेंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो जाके जरूर से आप चेकआउट करते जाइएगा। इसके बाद में मैंने आईब्रोज को फिल करा है। आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं एक ही पेटेंट, मेरा एक मेथड अपनाती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मेरे जो आईब्रोज हैं वो इसी तरफ थोड़े से हल्के से हैं, इसीलिए उनको ही फिल करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकिश अपने चेहरे पर नहीं पसंद आता है, तो उतना ही मेरे लिए काफ़ी रहता है। तो मैं हल्का हल्का स्पूली से उसको थोड़े से आईब्रोज को घने कर देती हूँ। आईज के लिए मैंने लिया है रेड कलर का लिप लाइनर, क्योंकि मेरा ड्रेस था रेड रेड रेड, इसीलिए मैंने लिप लाइनर भी रेड लिया है, और उसी बेसिस पे मैंने अपने जो आईज हैं आई शैडो की जगह इस लिप लाइनर से थोड़ा सा उसको आउटलाइन दिया है, और उसके बाद में मैं इसे ब्लेंड करूंगी। देखो कैसे ओके और ब्लेंड करने के बाद में मैंने यहाँ पे एक शिमरी सा आई शैडो लिया है और अंदर अंदर फिल आउट कर दिया है। इसके बाद में मैंने आईलाइनर लगाया है, और आईलाइनर मैंने ऑफ द कैमरा इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे ना अपने हाथों को इसे सपोर्ट देना रहता है, कहीं ऐसे में रखती हूँ और उसके बाद में मैं अपने आईलाइनर लगाती हूँ तो वो थोड़ा सा परफेक्ट बनता है। मैंने कुछ कॉन्टोरिंग करी है अपने चीक्स के ऊपर, क्योंकि अभी गाल ना अच्छे खासे फूल गए हैं ड्यूरिंग द कोरोना टाइम। घर में बैठे बैठे एक्सरसाइज कम हो गए हैं, खाना पीना ज़्यादा हो गया है, तो चीक्स भी काफ़ी अच्छे खासे मोटे ताजे हो गए हैं, तो थोड़ा सा कॉन्टोर करा है, थोड़ा सा ही करा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिख जाता है, मुझे ऐसा फील होता है। तो इसीलिए अगर आप ऐसा बढ़ाना चाहते हैं, आपके एकदम शार्प कट देना चाहते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्टोरिंग आप और बढ़ा लीजिए। ब्लश लगाया है, और ब्लश को भी मैं हाथ से ऐसे फेरती हूँ। हाथ से इसलिए फेरती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाथों की जो गर्माहट रहती है उसकी वजह से ज़्यादा अच्छे से मेरा ब्लश दिखता है। अभी आप देख सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ब्रश से ना मुझे वो फील नहीं आती, अपनापन नहीं लगता है इसलिए मैं हाथों से अच्छे से उसको एकदम अच्छे से कर लेती हूँ। इसके बाद में मैंने हाइलाइटर लगाया है, मास्टर क्रोम का हाइलाइटर मेबेलिन वाला, तो इसका भी लिंक मैं मेंशन आउट कर दूंगी। ये मेरे नायका वाले हॉल वीडियो में मैंने मेंशन आउट किया था। इसके बाद में मैंने शायद इसके बाद में मैंने शायद फॉल्स आईलैशेस लगाए हैं, और आईलैश लगाने के बाद में ये रहा मेरा लुक। लुक ही चेंज हो जाता है मतलब आईलैश लगाने के बाद में। आई एम लिटरली लाइकिंग इट राइट।
ये हो गया मेकअप। अब हम आते हैं अपनी हेयर स्टाइल के ऊपर। और मैंने हेयर स्टाइल को बहुत ही सिंपल रखा है, बाल खुले छोड़े, क्योंकि अभी मैंने बाल कटवाए भी नहीं तो लंबे से बाल हो चुके हैं। जी हाँ गाइस, मेरे अच्छे खासे लंबे बाल हो चुके हैं, तो कमर तक आने लगे हैं, तो इसीलिए मैंने लंबे से बाल रखे हैं। और करवा चौथ टाइम है, अगर आप बालों को अच्छे से आप दिखाएंगे ना तो बहुत खूबसूरत दिखते हैं। और मिड पार्टीशन करी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। मिड पार्टीशन के बाद मैं बस ट्विस्ट 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 एंड रोल, ट्विस्ट एंड रोल। जी हाँ, ट्विस्ट एंड रोल। रोल तो ऐसे नहीं होता, हाँ ऐसे होता है, कोई बात नहीं। आपको यहाँ पे रोल करना है ना, तो यहाँ से आप रोल कर लीजिए अपने बालों को और पिन लगा लीजिए। पिन लगाने के बाद में आपका फेस कुछ ऐसा दिखेगा। और जो आपके ये वाले बाल हैं छोटे छोटे ऐसे इधर साइड से बाल हैं, मेरे थोड़े से करली हैं साइड से, क्योंकि स्टेप्स कट में थे तो ये थोड़े छोटे हैं। जो नीचे वाले बाल हैं वो अच्छे से अच्छे खासे बढ़ गए हैं, लंबे लंबे हो गए हैं। उसके बाद में आपका फेस कुछ ऐसा दिखेगा, इनफैक्ट ऐसा दिखेगा। सो येस, दैट वॉज ऑल अबाउट द मेकअप एंड द हेयर स्टाइल। अब मैं आप लोगों को फुल व्यू दिखाती हूँ मेरे आउटफिट के साथ में। कैसे लगा ये आउटफिट और ये स्टाइलिंग वीडियो मुझे बताइएगा जरूर। ये वाला वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। ये वाला लुक आप करवा चौथ, और अगर आप बनते हैं कोई वेडिंग गेस्ट तो उस टाइम में आप क्रिएट करेंगे, अगर करेंगे तो मुझे जरूर टैग करिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। और मेरे अगले वीडियो आने तक बाय बाय, टेक केयर। लेकिन जल्दीबाजी मत करिए, पहले आप सब्सक्राइब करिए फिर आप जाइए जहां पे भी आप जाना चाहते हैं। और अगर मेरा ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज वहां पे आप जाके, यहां कोई कार्ड्स हैं वहां पे आप जाके क्लिक करिए और वो वाले वीडियोस देख लीजिए। तो मेरे अगले वीडियो आने तक बाय बाय, टेक केयर।